बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें ऐसे कई अभिनेता देखने को मिले हैं जो एक बेहतर एक्टर तो रहे हैं पर उन्हें वो नेम और फेम नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। और एक ऐसे ही एक्टर रहे हैं अक्षय खन्ना, जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया, पर फिर भी इन्हें सलमान और शाहरुख जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं की तरह नेम फेम नहीं मिला और आज आलम ये है कि ये इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री से गायब हो चुके अक्षय खन्ना आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके बारे में ये सब बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इनके लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के लॉस्ट हीरो अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को अभिनेता विनोद खन्ना के घर मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तमिलनाडु के लॉरेंस स्कूल से की और बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो आपको बता दें कि बचपन से ही फिल्मी माहौल में रहने के कारण इन्हें भी हमेशा से ही अभिनय में दिलचस्पी रही है, इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मुंबई में किशोर नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद साल 1997 में हिमालय पुत्र फिल्म के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसे खुद इनके पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि वो फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, पर इसमें इनके अच्छे अभिनय को देखते हुए इन्हें इनकी अगली फिल्म मिली जिसका नाम था बॉर्डर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में बनी इस फिल्म में इन्होंने दूसरे लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह की भूमिका निभाई, जिसके जरिए इन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने गांधी माई फादर, हंगामा दिल चाहता, हलचल और ताल जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी जिसमें इनके अभिनय की तो खूब प्रशंसा हुई, पर इन्हें फिर भी वो मुकाम नहीं मिल पाया जो एक अच्छे अभिनेता को मिलना चाहिए था। शायद इसके पीछे इनके गंजेपन का बड़ा हाथ रहा। उम्र से पहले ही इनके बाल झड़ने लगे थे जिसकी वजह से ये हीरो की तरह नहीं लगते थे, इसलिए इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं और इनका करियर ढल गया। लेकिन अगर बात करें इन बीते सालों में इनके बदले हुए लुक के बारे में तो फिल्मों में लंबे घने बालों के साथ जवान, हैंडसम और स्टाइलिश नजर आने वाले ये अभिनेता आज 46 साल की उम्र में पहले की तरह हैंडसम नहीं दिखते। इनकी उम्र का असर आज इन पर साफ देखने को मिलता है। ये पहले से सांवले नजर आते हैं, साथ ही इनके चेहरे पर झुर्रियां भी नजर आती हैं। इसके अलावा अब तो इनके सर के सारे बाल झड़ चुके हैं, ये गंजे हो चुके हैं और इनके पहनावे में भी एक बड़ा बदलाव आ चुका है। इन्हीं सब की वजह से आज ये पहले से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। आपको बता दें कि एक लंबे ब्रेक के बाद इन्होंने साल 2006 में ढिशुम फिल्म के साथ दोबारा अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म में भी नजर आए और तब से ही इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है। हाल ही में इन्हें हंगामा 2 फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाते हुए देखा गया है। वहीं बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो आपको बता दें कि आज भी ये सिंगल हैं। हालांकि इनका अफेयर रिया सेन जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ रह चुका है, पर उनमें से किसी में भी इन्हें अपना जीवन साथी नहीं मिला, इसलिए आज ये सिंगल हैं। तो दोस्तों, आपको इनका बदला हुआ रूप कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।